अज कादियां विच भारत विकास परिषद वल्लों लेबर इनफोर्समेंट अफसर नवदीप सिंह दे सहयोग नाल मजदूर दिवस नूं समर्पित लेबर कार्ड बनाउण लई कैंप लगाया गया। आओ तुहानूं दिखाउंदे हां पूरी रिपोर्ट। अज बाद दोपहर लेबर इनफोर्समेंट दे अधिकारी जिहड़े इत्थे आए ने भारत विकास परिषद वल्लों लगाया गया कैंप। इस कैंप दे विच जिहड़े लेबर दा काम करदे ने मजदूर वगैरह उन्हां दे कार्ड रजिस्टर करने लई इन्हां नूं स्पैशल तौर पर लेबर इनफोर्समेंट अधिकारी नवदीप सिंह उन्हां दी नेतृत्व विच बुलाया गया है। ये जिहड़े लेबर कार्ड जिन्हां लोगों के बंदे ने उन्हां नूं काफ़ी सरकार वल्लों सुविधावां दित्तियां जांदियां ने। ईवन उन्हां दे जे कुदरती मौत हो जाती तो 2 लाख रुपए तक का बीमा उन्होंने मिलता है। जे अचानक एक्सीडेंटल होंगी है तो भी 2 लाख का बीमा। ईवन जे किसी ने कोई दंदा का चेंजस करानिया ने 5,000 का बेनीफिट वह भी है। अखा के लिए भी इस तरह ही उन्होंने बच्चों के लिए हर 2 साल बाद LTC की स्कीम आ जिसे 2,000 रुपए तक इन्हों दिते जाते हैं कि घूमन फिरन लिए। मतलब यहोजी अनेक स्कीम ने जिड़िया कि डिपार्टमेंट वालों लेबर न संबंधित जोड़े रजिस्टर्ड मजदूर ने उन्होंने लिए मुहैया करवाई जाने। तो मैं ये कैंप अपने भारत विकास परिषद वालों स्पैशल रिक्वेस्ट करके लगवाया ताकि जोड़े बेचारे मजदूर कई यहोजे ने जिन्हों जानकारी नहीं है उन्होंने जानकारी मुहैया करवाई जा सके तो नाल दे नाल उन्होंने ये अपने लेबर कार्ड बनवा के दिते जा सकन। अज जिन्हों लोगों की रजिस्ट्रेशन करीब 40 के करीब लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जिन्हों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इन्हों बुधवार तक आप कोशिश करा कि लेबर कार्ड मिल जा जिन्हों नहीं मिलने उन्होंने होर 2-4 दिन के अंदर अंदर अधिकारियों वालों बनवा के दे दिए जाएंगे। तो नाल दे नाल मैं धन्यवादी हाँ जिला प्रशासन का जिन्होंने यहोजा कैंप लाया। तो मैं चाहवागा कि आने वाले समय के होर भी वध तो वध यहोजे कैंप लगाए जा ताकि जिहड़े लोड़वंद ने उन्होंने इसका बेनीफिट मिले। ਮਰੀਜ਼ 385 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟਰਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 360 ਰੁਪਏ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ 27-29 ਫਾਰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ MC ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।